अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है, हमने एक हेलो वर्ल्ड सर्वर बनाया है और उसको हमने साइक्लिक के क्लाउड पर डिप्लॉय किया है। अच्छा, अब ये अच्छे से समझ लो कि सर्वर कई तरह के होते हैं। सर्वर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। हमने जो सर्वर बनाया है वो हमने एक ख़ास किस्म का सर्वर बनाया है जिसको हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है। अच्छा, सर्वर और कौन से तरह के होते हैं, कोई बता पाएगा? ईमेल सर्वर होते हैं, डोमेन नेम सर्वर होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, डेटा वेयर हाउस सर्वर होते हैं, सही है, और आपके जो है वो FTP सर्वर होते हैं फाइल शेयरिंग के, स्ट्रीमिंग सर्वर होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग सर्वर होते हैं जो टेलीविज़न वगैरह पे चलते हैं। तो ये सर्वर कई तरह के होते हैं अलग अलग। ठीक है। एक एक आजकल वो वीडियो कॉल जिससे होती है वो कौन सा चल रहा है, क्या उसका नाम है, बड़ा अच्छा, RTC सर्वर्स भी होते हैं, विंडोज सर्वर जो है ना वो, अच्छा उसका मुझे नहीं पता। नहीं, वो होता तो मगर वो वेब सर्वर है ना, विंडो SRS की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, रिमोट डेस्कटॉप, विंडोज रिमोट डेस्कटॉप ना, नहीं वो तो अलग चीज़ है, वो सर्वर थोड़ी है। बोले हाँ, गेमिंग सर्वर भी आजकल बनते हैं, पबजी खेल रहे हैं तो वो सर्वर बना देते हैं, सारे कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ। अच्छा, लेकिन गेमिंग सर्वर भी असल में वेब सर्वर होता है। ठीक है, असल में वेब सर्वर होता है। अच्छा, ये ज़्यादातर सर्वर जो हैं, जैसे कि FTP सर्वर है, ये भी असल में तो वेब सर्वर ही होता है, ये ओवर द वेब एक्सेस हो रहा होता है ना, ओवर द इंटरनेट ही एक्सेस हो रहा होता है, तो ये वेब सर्वर ही होता है। लेकिन अब ये ओवर द इंटरनेट चलने वाला सर्वर तो जाहिर है कहते ही उसी को है ना, जो हमें या तो वायर से या तो वायरलेसली या तो ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस किया जा सके। ठीक है। जो FTP सर्वर होता है वो फाइल शेयरिंग के काम आता है, लोकल नेटवर्क पे भी और ओवर द इंटरनेट भी, दोनों पे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये इंटरनेट से ही एक्सेस होता है ये सारे सर्वर। स्ट्रीमिंग सर्वर भी जो है यूट्यूब जिससे चल रहा है वो भी ओवर द इंटरनेट ही एक्सेस होता है। ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं वेब सर्वर, और वेब सर्वर वो होती है जो APIs कॉल होती हैं जिसकी। ठीक है। ये सारे भी ओवर द वेब चलते हैं लेकिन इनको हम वेब सर्वर नहीं कहते। FTP सर्वर को FTP सर्वर कहते हैं, उसको वेब सर्वर नहीं कहते हैं। अच्छा, अब वेब सर्वर जो है इसके काम करने का तरीका क्या है? वेब सर्वर के अंदर आपके पास जो रिक्वेस्ट होती है, यानी वेब सर्वर से जब मैं बात करूंगा, यानी मैं बात करने का मतलब ये कि मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन उससे बात करेगी, मैं तो कभी भी बात नहीं करूंगा ना एज अ ह्यूमन, मैं सर्वर से कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि सर्वर का GUI नहीं होता, कोई GUI नहीं होता, या सिर्फ UI भी नहीं होता। ठीक है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सिर्फ UI यूज़र इंटरफेस, तो ये दोनों यूज़र के लिए होता है बना हुआ, तो ये तो सर्वर का है ही नहीं, UI नहीं होती है सर्वर की। सर्वर की होती है APIs, और API हमेशा कौन यूज़ करता है? एक दूसरी मशीन, एक दूसरा सॉफ्टवेयर, एक दूसरा मशीन काइंड ऑफ, किसी भी किस्म की मशीन, तो कोई ना कोई मशीन होगी जो मेरे सर्वर से बात करेगी। ठीक है। अच्छा, मेरे केस में वो सॉफ्टवेयर या वो मशीन जो है वो कौन सा है? मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन जो मैंने HTML, CSS और JavaScript की मदद से बनाई है। उसमें कोई एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होकर जब मैं सबमिट दबाऊंगा तो मेरे फ्रंट एंड की एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट बनाएगी जो भेजेगी किसको? मेरे वेब सर्वर को भेजेगी, मेरे साइक्लिक पे मौजूद जो सर्वर मेरा चल रहा है एक्सप्रेस का, उसको भेजेगी। अच्छा, अब ये गौर से समझने वाली बात है कि वो रिक्वेस्ट कैसी होगी, ये गौर से समझने वाली बात है कि वो रिक्वेस्ट कैसी होगी। अच्छा, ये रिक्वेस्ट कैसी होगी ना, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट ये तारों से, ये वीडियो और ऑडियो और ये पिक्चर, ये तारों के जरिए ट्रांसफ़र हो कैसे जाती है, कोई मुझे बता पाएगा? ये HTTP से हो जाता है। मुझे क्या पता HTTP क्या होता है भाई। एक 2 क्लास के बच्चे को अगर ये समझाना है आपने कि ये तारों के जरिए डेटा इधर से उधर जाता है, कैसे बताओगे? पैकेट की सूरत में जाता है। नहीं, पैकेट जाने के लिए तो देखो, अगर मैंने कोई चीज़ शॉप थैली का पैकेट मैंने बनाया है, इमेजिन कर लो कि नस्वार का पैकेट है,
अब इसको भेजने के लिए कोई पाइप हो ना, अगर अगर पाइप हो जिसके दरमियान में सुराख हो और मैं उस पाइप में डालूं, है ना, और मेरे दोस्त के घर तक वो पाइप गया हो और यहाँ से मैं जो उसको गोलियाँ बना बना के डालूं या पैकेट में बना के डालूं, मेरे दोस्त के घर पे जाके वो गिरे नस्वार, और मेरा दोस्त पठान है तो वो उसको खोले पैकेट को और नस्वार खा ले, ये तो चलो समझ आ रहा है। लेकिन तार के अंदर सुराख तो नहीं होता कोई, ये पैकेट जा कैसे रहे तार में? अब जब बताओ, ऑप्टिकल फाइबर से जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट आ जाती है। नहीं मतलब कॉन्फिडेंटली बताओ क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, तुम क्या कह रहे हो, लाइट क्या कह रहे हो तुम बताओ। हाँ हाँ नहीं तो मुझे एक पैकेट अगर भेजना है, डेटा पैकेट, तो वो मैं कैसे कैसे पहुंचेगा उधर, कैसे पहुंचेगा वो? मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर से मैंने एक तार खींच दी, तो क्या मैं तुम्हें भेज सकता हूँ? वो कैसे भेजूँगा? जी भाई हाँ अच्छा, दोस्त ने ये बताया कि अगर आपको कोई फ़ोटो भेजनी है तारों के ज़रिए, तो वो फ़ोटो पहले ट्रांसलेट होगी किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी ऐसी लैंग्वेज में जो तारों से ट्रैवल हो जाता है, फिर जब जहाँ पहुँचना होगा वहाँ पहुँच के वो दोबारा से ट्रांसलेट होगी उसको JPG पिक्चर में। बात करीब करीब की है इन्होंने, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो बात नहीं की अभी तक। जी ये सिग्नल क्या चीज़ है? आपने कहा कि डेटा जो है पहले ट्रांसफ़र होगा सिग्नल, यानी ट्रांसलेट होगा सिग्नल्स में, सिग्नल क्या है? बात तो तुमने सही की है, लेकिन बहुत टेक्निकल टर्म यूज़ कर ली तुमने। 2 साल के बच्चों को इतनी टेक्निकल टर्म समझ नहीं आएगी, आसान उस जबान में बताओ। हाँ रेडियो एक्टिव कहाँ से आ गई भाई? हाँ अच्छा, चलो रिलेट कर रहे हो। अच्छा बाइनरी में कन्वर्ट होगा पहले। हाँ बात तो सही की है बिल्कुल, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो बात नहीं की। 2 साल के बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी। अच्छा चलो मैं भी अपना ओपिनियन देता हूँ, फिर मुझे बताना कि तुम लोगों को बात समझ आई या नहीं आई। देखो ये इंटरनेट बना कैसे, इंटरनेट जो है ना पहले ये मिलिट्री यूज़ के लिए बनाया गया था, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया था मिलिट्री का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। बाद में उसको कमर्शलाइज करके उससे पैसे वैसे बनाए, और फिर इंटरनेट एक रेवोल्यूशन साबित हुआ इन फ्यूचर। अच्छा मैं आपको बिल्कुल सादा एग्जाम्पल देता हूँ और बिल्कुल एक अर्ली इंटरनेट समझाता हूँ। अर्ली इंटरनेट ये है कि मैं क्या सेट कर लूँ, एक इशारा सेट कर लूँ। अच्छा एक बंदे को मैंने गली के उस कोने में खड़ा किया और एक बंदे को मैंने गली के उस कोने में खड़ा किया, ठीक है। एक तरफ मैं हूँ, एक गली के दूसरे कोने में मेरा दोस्त है। अच्छा अब मैं उसको बोलता हूँ कि अगर मैं ये ऐसे एक उंगली का इशारा करूं तो इसका मतलब है मुझे पानी चाहिए। अच्छा और 2 उंगली का इशारा करूं तो इसका मतलब है कि मुझे खाना चाहिए। अच्छा तो ये बात उसको समझ आ गई, क्योंकि पहले से हमने ये तय किया हुआ है कि 1 उंगली के इशारे का क्या मतलब है और 2 उंगली का क्या मतलब है, ये हमने पहले से तय किया हुआ है, तो उसको ये बात समझ आ गई। अच्छा उस या मेरे से उस तक ये बात कैसे पहुंची? उसने मुझे देखा और उसको समझ आ गया। तो दिस इज द इंटरनेट। अब ये कैसे इंटरनेट है? अच्छा इससे अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत सादा एग्जांपल दी ना, बहुत सिंपल थी, इतनी सिंपल थी कि समझ ही नहीं आई होगी। इससे एक अगली एग्जांपल, अब ये इशारे को हटा दो, अब वो दोस्त मेरा कुछ ज़्यादा ही दूर है, मुझे दिख नहीं रहा इतनी दूर है।
अच्छा तो मैंने क्या किया, एक बिजली की तार खींची, मैंने अपने पास लगाया एक बटन, मैंने कहा कि जब मैं इसको एक दफ़ा जला के बुझाऊंगा ना, यानी टिंग टोंग करूंगा जब, या बत्ती समझ लो या बेल समझ लो जो भी कह लो, तो मैं एक दफ़ा जब टिंग टोंग करूंगा तो उसका मतलब है पानी चाहिए मुझे, और मैं जब दो दफ़ा टिंग टोंग करूंगा तो उसका मतलब है खाना चाहिए मुझे। कम्युनिकेट कर लिया मैंने उससे समहाउ, एक मैसेज, छोटे से छोटा मैसेज अभी मैं भेजना चाह रहा हूँ। देखो जब भी कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है ना, छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। वंस मैंने ये डिंग डोंग भेज लिया ना, उधर एक मैसेज भेज दिया, एक बल्ब की बत्ती उधर मैंने जला दी ऐसे और बुझा दी वापस, तो मेरी कम्युनिकेशन हो गई है। अब इस कम्युनिकेशन को मुझे स्केल अप करना है, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। इंटरनेट समझा रहा हूँ मैं, ये सबसे अर्ली इंटरनेट यही है। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा और अगले लेवल पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक बटन लगाया, उसके पास बत्ती जलती है, और उसके पास एक बटन लगा दिया जिससे मेरे पास बत्ती जलती है, तो दो तारें खींच ली, एक मेरे पास से उधर और एक वहाँ से मेरे पास। और मिसाल के तौर पे मैंने एक दफ़ा जब दबाया तो मैं ये बोल रहा था मुझे पानी चाहिए, तो वहाँ से वो नलका खोलेगा, मेरे पास पानी आ जाएगा समहाउ, मतलब एक सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर उसने ये कहना है कि पानी नहीं है, तो वो तीन दफ़ा ऑन ऑफ करेगा उसको, तो उससे मैं ये समझ जाऊँगा कि पानी नहीं है। अब देखो कैसी कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, ये जो आपस में हमने तय किया हुआ है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। इसका टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इसके लिए, ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है। अभी प्रोटोकॉल को हम मज़ीद देखते हैं कि प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्या होता है। अब इसको हम ज़रा मज़ीद स्केल अप, अगले स्टेप पे आते हैं। एक मोर्चा है और एक दूसरा मोर्चा है जो ज़रा बॉर्डर से मज़ीद करीब है, जहाँ पे लड़ाई ज़रा करीब करीब हो रही है, और एक मैं बैठा हूँ थोड़ा पीछे वाले मोर्चे में। अब हमारे पास वही सेटअप है कि एक बटन मैं यहाँ से दबाता हूँ तो वहाँ लाइट जलती है, और बटन को मैं ऑफ़ करता हूँ तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। अच्छा, इसी तरह एक बटन वहाँ है और उसकी बत्ती मेरे पास है। अब हम बैक एंड फोर्थ यहाँ से जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैं उसको यहाँ से बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चार दफ़ा ऑन ऑफ करता हूँ जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब है मैं स्टेटस पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द स्टेटस। अब मैंने पहले से ये प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि अच्छा जी, अगर स्टेटस में सब कुछ ओके है तो आपने वहाँ से एक दफ़ा ऑन करके और ऑफ़ कर देना है। एक दफ़ा ऑन करना है, थोड़ी देर तक ऑन रख के ऑफ़ कर देना है, तो इट मीन्स एवरीथिंग ओके। अच्छा, अगर दो दफ़ा ऑन ऑफ़ किया आपने स्टेटस के जवाब में, स्टेटस पूछा था मैंने, उसके जवाब में दो दफ़ा ऑन ऑफ़ किया, तो इसका मतलब है कि यार हल्का फुल्का कुछ टस टुस फायरिंग चल रही है, कोई ज़्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं हो रहा, कोई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है मामला, हल्की फुल्की लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो दो से लेके पाँच तक मैंने एक बना दिया। पाँच का मतलब है कि भाई बम अभी अभी गिरा है मेरे पास, आ गया, बाल बाल बचाऊंगा, और फुल लड़ाई चल रही है, बंदे फुल ज़ख्मी हैं, कैजुअलिटीज़ लातादाद हो चुकी हैं, तो हाँ तो एक से लेके पाँच तक जो है ना सीन ऑफ है। अच्छा, अगर जवाब नहीं आया तो इसका मतलब तो वैसे ही सारे मर चुके हैं, जवाब नहीं आने का तो यही मतलब होता है ना, फिर रेस्क्यू टीमें भेजते हैं पीछे से, यही होता है वो फ़ोन, उसमें आपने देखा होगा मूवीज़ में दिखाते हैं कि जी वो या तो वो बोलते हैं भाई मेडिवैक, उसके बाद जवाब आना बंद, तो वो समझते हैं कि सारे मर गए सारे, फिर वो यहाँ से रेस्क्यू टीम भेजते हैं, फिर वो अलग ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो खैर वो तो अगर डिवाइस ख़राब हो गई या तो तार टूट गई या डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो तो फिर एक दूसरा ही सिनेरियो है। वेल, तो अब देखो ये कम्युनिकेशन मेरी स्टार्ट हो गई है, मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब मुझे इस कम्युनिकेशन को लेके जाना है नेक्स्ट लेवल पर। अब मैं कैसे लेके जाऊँगा, ये मेरे पास ऑन ऑफ की पावर है, ये गेम सारा ऑन ऑफ का है, ये जब मैं ऑन ऑफ करता हूँ। अच्छा, अब इमेजिन करो कि मुझे एक नंबर भेजना है यहाँ से उधर, एक मुझे 67 एक नंबर भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, बाइंड्री में कन्वर्ट करना है उसको मुझे। अब बाइंड्री में कन्वर्ट करके 01 तो आ गया मेरे पास, अब 6 डिजिट का मेरे पास एक बाइंड्री आ गया, अब मैंने वो बाइंड्री भेजना है। अब मैं वो बाइंड्री कैसे भेजूँगा, अच्छा ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये वो जो मैंने दूसरे प्रोटोकॉल सेट किए हैं, एक दफ़ा ऑन करके ऑफ़ करने का मतलब पानी मांग रहा हूँ, और दो दफ़ा ऑन करके ऑफ़ करने का मतलब खाना मांग रहा हूँ, तो ये जो 6 डिजिट का मैंने 6 दफ़ा ऑन ऑफ़ किया है, कैसे डिस्टिंग्विश करेगा सामने वाला बंदा, है ना। ये तो आप समझ गए, ये इतने समझदार तो आप हैं, आपको समझ आ गया कि बाइंड्री भेजना है ना अगर तारों में डाल के, जिसको हम कहते हैं डेटा पैकेट, मुझे एक बाइंड्री नंबर भेजना है जो कि 6 डिजिट का है, तो इस 6 डिजिट का जो ये मुझे नंबर भेजना है ना सामने, उसको हम कहते हैं डेटा पैकेट। अब ये पैकेट मुझे
तारों में डाल के भेजना है, मुझे ये भी समझ आ गया कि बाइनरी है, तो मैं अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि बटन दबाने से लाइट ऑन हो रही है लाइट ऑफ हो रही है, ये इंटरनेट की तार में ये होता है करंट, ठीक है, हाई करंट और लो करंट, ठीक है, हाई करंट शायद 5 वोल्ट होता है और लो करंट शायद 3 वोल्ट होता है या शायद 2.5 होता है, ठीक है, ज़ीरो बिल्कुल सेट नहीं करते क्योंकि ज़ीरो का मतलब डेड होता है, सही, इसलिए वो थोड़ा उसको भी करंट रखते हैं कुछ ना कुछ। वेल तो वो क्या होता है कि तेज़ी से ना करंट ऑन ऑफ होता है, सही है। अच्छा उस करंट को अगर मैं बल्ब में लगा दूँ लिटरली बल्ब ऑन ऑफ होगा, ये इंटरनेट की तार में बल्ब को आप लगाएंगे तो बाकायदा ऑन ऑफ होगा वो, सही है, अगर मतलब उसके दरमियान में इंटरसेप्ट करके आप तार लगा दें या उसमें बल्ब लगा दें तो बाकायदा आपको ऑन ऑफ होता वो फील होगा, क्योंकि वो बाकायदा करंट के ज़रिए डेटा आपका जा रहा होता है, करंट को वो ऑन ऑफ करते हैं हल्का हल्का तो वो चल रहा होता है गेम सारा। अच्छा आजकल जो नए वाला मंजन आ गया है जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर रोशनी होती है ये, ठीक है, आपके जो इंटरनेट जो लगता है आपके पास वो तो या तो वाईफाई लगता है या तो RJ45 लगता है आपके कंप्यूटर में, लेकिन आपके कंप्यूटर से जब वो राउटर में जाता है ना तो राउटर उसको कन्वर्ट करता है रोशनी में, है वही 01 लेकिन राउटर उसको क्या कर देता है, ऑफ जो है उसमें बल्ब बुझ जाता है, ऑन में बल्ब ऑन हो जाता है, सही है, यानी ज़ीरो का मतलब बल्ब ऑफ है और ऑन का मतलब बल्ब ऑन है, उसमें बाकायदा हो रहा ऐसे ऐसे ऑन ऑफ हो रहा होता है तेज़ी से। और फाइबर ऑप्टिक केबल का चक्कर ये है कि वो शीशे की केबल होती है बारीक सी, और वो शीशे की केबल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ना कि तार अगर मुड़ती है ना तो लाइट उसके साथ साथ मुड़ती है, वैसे तो लाइट स्ट्रेट लाइन में रन होती है अगर मतलब गोल घूमी हुई तार में, अब आप अलग से उसको स्टडी कीजिएगा कि वो उन्होंने कैसे इस चीज़ को अचीव किया है कि जब वो शीशे की तार होती है बारीक सी और जब उस तार को मोड़ा जाता है तो रोशनी भी साथ साथ मुड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 2 किलोमीटर की तार, मेरे पास 2 किलोमीटर की तार है और तार के इस सिरे पे ना मैं टॉर्च रखता हूँ यूँ और उसको ऑन करता हूँ तो अगले सिरे पे वो मुझे ऑन हुआ हुआ दिखेगा बाकायदा रोशनी की सूरत में, ठीक है। आजकल लोग उससे वो ज़रा आर्ट पीसेस वगैरह भी बना रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी ना ये फाइबर ऑप्टिक केबल बड़ा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जी वो एक मोटी केबल लेके उसको खिड़की से बाहर करते हैं और खिड़की से बाहर करके ना उसको कमरे में ला के पूरे छत में घुमाते हैं तो वो सनलाइट को पूरे वो क्योंकि वो केबल है और लाइट साथ साथ घूमती है उसके वो पूरे छत में ना ऐसा लगता है कि जी वो सूरज निकला हुआ है, रोशन हो जाता है पूरा रूम उससे ना। और उसको बंद करना है तो बस वो जो उसका जो मुंह बाहर निकला हुआ है उसके आगे कपड़ा कर देते हैं वो पूरा बंद हो जाता है, तो वो बड़ा लोग इसको इस चीज़ में भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो आपने गाड़ी के डैशबोर्ड में आजकल वो देखा होगा, एक आजकल वो एक कारपेट आता है डैशबोर्ड पे रखने वाला जो होता है ना, क्या कारपेट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैट होता है, जो मैट होता है कारपेट जो भी होता है बाहर, उसमें भी ना वो बारीक सी पट्टी होती है यूँ, और बारीक सी पट्टी उसमें बिल्कुल मध्यम सी लाइट जल रही होती है, वो असल में फाइबर ऑप्टिक होता है। तो वो मुड़ के ना तार कहीं वो नीचे की तरफ कहीं एक लाइट जल रही होती है उसमें और फाइबर ऑप्टिक आके ना पूरा ऐसे यूँ 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 वो शेप बना रहा होता है, तो वो जो लाइट है आपको पूरे वो तार में दिख रही होती है। तो वेल तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि यहाँ से वहाँ जो डेटा भेजना है, तो पहला फॉर्म मैंने बताया कि उंगली के इशारे से, लेकिन वो तो दिखेगा जब ना। अच्छा दूसरा मैंने बताया भाई बिजली की तार खींच दो, बिजली की तार में ये होता है कि जी वोल्टेज थोड़ा ज़ाहिर है जब लंबी तार खींचूंगा वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए वो फिर कोई मुझे ट्रांसफार्मर वगैरह या इंटरनेट के केस में स्विच लगाना पड़ता है। RJ45 की केबल से अगर मुझे ज़्यादा लंबा कनेक्शन खींचना है तो मुझे दरमियान में स्विचेस लगाने होते हैं जो उसको बूस्ट करता है करंट को दोबारा, ठीक है, एक तरफ से अंडरस्टैंड करता है और वही सिग्नल आगे बूस्ट करके दोबारा आगे करता है। अच्छा फाइबर ऑप्टिक केबल का बेनिफिट ये है कि ये ज़रा थोड़े लाइट तो दूर तक चली जाती है, लाइट की स्पीड भी बहुत है, तो ज़रा इसमें दूर दूर तक जाके ना बूस्ट करना होता है, यानी 10-12 किलोमीटर तक इसको ज़रूरत नहीं पड़ती बूस्टर की शायद, तो यानी एक तार सीधा 10 किलोमीटर जाती है, इसमें इतना बेनिफिट है। अच्छा तो ये अब आपको इंटरनेट समझा रहा हूँ मैं, मेरे पास एक फ़ाइबर ऑप्टिक केबल है, अब ज़रा अपग्रेड हो गया ना, और मुझे एक नंबर है मेरे पास 76, वो मैंने भेजना है एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे। पहले से भी कुछ प्रोटोकॉल मैंने सेट किए हैं कि एक दफ़ा मैं ऐसे रोशनी ऑन करूँगा और ऑफ़ करूँगा तो इसका मतलब क्या है, मुझे पानी चाहिए, और 2 दफ़ा ऑन करूँगा ऑफ़ करूँगा इसका मतलब मुझे खाना चाहिए। अब एक तीसरा डेटा मुझे भेजना है जो कि क्या है, नंबर 76 मुझे वहाँ भेजना है समहाउ, अब बताओ कैसे भेजूँगा मैं, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, उसको ऑन ऑफ जब मैं करूँगा तो वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि ये क्या आ रहा है मेरे पास, पहले से प्रोटोकॉल क्या सेट करूँ मैं,
कलर से नहीं, वो असल में फिर तारें बढ़ जाएंगी ना हमारे पास, टाइम का फ़र्क रख सकते हैं। कोई ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे कि मैं पहले ये उसमें बता दूं कि मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, पहले मैं ये बता दूं किसी तरह कि मैं अब नंबर भेजने वाला हूँ, अब तो अब अगला आएगा। तो इंटरनेट में इसकी सेटिंग कैसे की जाती है भला? टाइम डिविजन से, इसको याद रखना, टाइम डिविजन से इसके इंटरनेट की सेटिंग की जाती है। मिसाल के तौर पर एक सेकेंड इज़ 1 T, एक सेकेंड जो है वो एक टाइम है, ठीक है। अच्छा, हर गुजरता हुआ सेकेंड जो है ना वो एक डेटा कंसिडर होता है, हर गुजरता हुआ सेकेंड, एक सेकेंड एक डेटा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं अब इस सिस्टम के तहत मैं डेटा भेजता हूँ अगर, तो मैं जो वो एक दफ़ा ऑफ कर ऑन करके ऑफ़ करने का मतलब क्या है कि मुझे एक सेकेंड तक उसको ऑन रखना होगा, फिर ऑफ़ करना होगा, जब जाके वो काउंट होगा। अगर मैंने एक सेकेंड पूरा उसको ऑन नहीं रखा तो वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, तो एक सेकेंड ऑन करके रखूँगा तो पानी पानी मांग रहा हूँ मैं, 2 सेकेंड तक ऑन करके रखूँगा तो खाना मांग रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अब मैं अब हम अपने प्रोटोकॉल में मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता आज के इंटरनेट की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। 2 सेकेंड तक मैं ऑन रखूँगा तो वहाँ पर 2 डेटा काउंट आएगा कि ये 2 दफ़ा ये ऑन रहा है तो इसका मतलब है ये। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह नहीं भेजूँगा, मैं पहले डेटा पैकेट जो मैं बनाऊँगा ना अपना पूरा, उसके अंदर मैं रखूँगा एक हेडर। अब हेडर क्या बला है भाई? हेडर ये बला है कि मैंने ना ये एक दबाव और 2 दबाव ख़त्म कर दिया, मैंने क्या कर दिया, एक दबाव 2 दबाव ख़त्म कर दिया। अब मैं इस प्रोटोकॉल को रीराइट कर रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने 1 सेकेंड तक ऑन करके रखा उसको, तो इसका मतलब है कि मैं कोई जनरल कन्वर्जेशन करना चाह रहा हूँ, ये वाली खाना मांग लो पानी मांग लो वाला, ये करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैंने 2 दफ़ा उसको ऑन ऑफ किया, यानी 2 सेकंड तक ऑन रखा उसको मैंने, तो अब अगली बात जो मैं करूँगा वो क्या करूँगा, मैं एक नंबर भेजूँगा। और अगर मैंने 3 सेकंड तक उसको ऑन करके रखा तो अब मैं जो अगली बात भेजूँगा वो क्या भेजूँगा, एक स्ट्रिंग भेजूँगा। अगर मैंने उसको 4 सेकंड तक ऑन करके रखा तो उसके बाद जो मैं चीज़ भेजूँगा वो एक ऑडियो फाइल भेजूँगा। अगर मैंने 5 सेकंड तक ऑन करके रखा तो अब मैं इसके बाद क्या भेजूँगा, कोई पिक्चर भेजूंगा मे बी। तो अब मैंने ना देखो ये प्रोटोकॉल सेट कर लिया। अच्छा, अब क्या होगा, वैसे वो बंद पड़ा है लाइट, वैसे वो लाइट बंद पड़ी है। अच्छा, अब उसको लेकिन एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब वो 1 सेकंड तक ऑन हुआ और ऑफ हो गया, तो अब जो बैठा हुआ बंदा है ना उसको पता चल जाएगा, अच्छा अब क्या आने वाला है, कोई जनरल कन्वर्जेशन होने वाली है। मैंने कहा भाई के 3 दफ़ा प्रेस किया फिर, तो उसको समझ आ गया स्टेटस पूछ रहा है मेरे लिए, तो उसने बता दिया कि भाई 1 प्रेस किया स्टेटस दिया। अब मैंने क्या किया, 2 सेकंड तक उसको ऑन करके रखा, ठीक है, ये अच्छा गैप आ गया बीच में ना, स्टेटस पूछा मैंने, फिर ठीक हो गया, फिर 4-5 मिनट 10 मिनट का गैप आ गया। उसके बाद मैंने उसको 3 सेकंड तक दबा के रखा। 3 सेकंड तक दबा के रखने का मतलब है कि मैं क्या भेजने वाला हूँ, एक नंबर भेजने वाला हूँ मे बी, ठीक है। अब नंबर का मैं बाइंड्री उसके बाद करूँगा। अच्छा, बाइंड्री कैसे भेजूँगा मैं, बाइंड्री में ऐसे भेजूँगा क्योंकि 1 सेकंड इज़ 1 टाइम, 1 T जिसको हम कहते हैं, 1 सेकंड इज़ 1 T मेरे सिस्टम के अंदर। वैसे तो आजकल बहुत फास्ट सिस्टम आ गए, वो 1 सेकंड में पता नहीं कितने 1000 टाइम होते हैं। तो वो मैं अब क्या करूँगा, अगर मेरे बाइनरी डिजिट के 6 डिजिट में पहला वाला अगर 1 है तो मैं 1 सेकंड तक ऑन रखूँगा, उसके बाद 2 0 हैं तो 2 सेकंड तक मैं ऑफ़ रखूँगा, फिर उसके बाद 2 1 है तो 2 सेकंड तक मैं ऑन रखूँगा, और फिर आखिरी 0 है तो मैं ऑफ़ रखूँगा। अच्छा, ये मेरा 6 डिजिट का बाइनरी चला गया। अब सुकून हो गया, खामोशी हो गई, लाइटें बंद हो गई सारी, 6 डिजिट का एक नंबर रिसीव हो गया। तो अब हेडर के बाद समझ आई हेडर क्या चीज़ है, क्योंकि तार में इंटरनेट के तो सिर्फ ऑन ऑफ हो रहा है ना, अब मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मैं क्या भेज रहा हूँ, तभी तो आगे वाला उसको एक्सपेक्ट करेगा ना, अच्छा ये चीज़ आ रही है, क्योंकि तार में पिक्चर भी जा रही है, ऑडियो भी जा रहा है, फाइल सब जा रही है, ठीक है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा। अच्छा, अब ज़रा ये ऑन ऑफ जो मैं कह रहा हूँ ना कि 1 T इज़ 1 टाइम, तो इसमें मेरे पास 1 सेकंड में मैं कितना डेटा भेज रहा हूँ, मैं अपने इस सिस्टम में 1 सेकंड में कितना डेटा भेज रहा हूँ, 1 बिट भेज रहा हूँ। 1 सेकंड में 1 ऑन या 1 ऑफ भेजता हूँ ना मैं, तो ये मेरी स्पीड क्या है सिस्टम की, मेरी स्पीड है 1 बिट पर सेकंड, कि 1 सेकंड में मैं 1 बिट भेजता हूँ बस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये करूँ कि यार आधे सेकंड का कर दूँ, कि भाई आधे सेकंड तक ऑन आधे सेकंड तक ऑफ,
आधा सेकंड अपना टाइम बना लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे कनेक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी 2 बिट पर सेकंड। हमारे इंटरनेट की आमतौर पर स्पीड क्या होती है, 25 मेगा बिट पर सेकंड, 25 Mbps। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाएं हमारा जो ये ऑन ऑफ है कितना फास्ट है ये। मेरे इस करंट सिस्टम से हमारा आज के दिन का जो हमारा 2023 का जो इंटरनेट है वो कितना फास्ट है, लेकिन हो यही रहा है ऑन ऑफ। इस ऑन ऑफ के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं हो रही है इसमें। अच्छा, अब क्या हो गया है कि भाई मैंने आपको देखो दो चीज़ बताई है। एक बताया मैंने आपको हेडर, जो मैं डेटा पैकेट भेजूंगा ना तो पहले तो हेडर भेजूंगा हमेशा, अच्छा, और उसके बाद मैं डेटा भेजूंगा, या जिसको हम कहते हैं कि पैकेट का एक्चुअल डेटा जो है वो सही है। पैकेट पूरा पैकेट जो होता है ना वो असल में हेडर और बॉडी को मिला के होता है, पूरा पैकेट जो होता है। अच्छा, पैकेट इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उसको एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो। अच्छा, तो आज के इंटरनेट में मैंने जो हेडर सेट किए थे ना कि भाई एक का मतलब है अगला मैं नंबर भेजने वाला हूँ, दो का मतलब है अगला ये भेजने वाला हूँ, तीन का मतलब है ये भेजने वाला हूँ, तो अभी के टाइम पे हमारे पास क्या है, इसको हेडर जो है अभी के टाइम का वो क्या है, वो ये है कि जी सबसे पहले तो ये बात लिखी होगी डेटा किस किस्म का आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है। नंबर दो बात ये लिखी हुई होगी कि इस डेटा की लेंथ कितनी है, क्योंकि देखो मैंने जब बोला ना कि यार मैं एक नंबर भेजने वाला हूँ, अब वो नंबर कितने बिट का है मुझे क्या पता, 76 में तो चलो 6 डिजिट बन रहे हैं, है ना। अगर मैं कोई 6 मिलियन को नंबर भेजना चाह रहा हूँ उसमें तो ज़्यादा डिजिट होंगे बाइनरी के, तो कितनी उसकी लेंथ है। तो मैं बोलूँगा कि यार मैं एक नंबर भेज रहा हूँ और साथ में मैं ये भी बताऊँगी कि उसकी लेंथ क्या है, ताकि वो उतनी ही देर तक उसको पकड़े ना वहाँ तक का, क्योंकि उसके पीछे फ़ौरन बाद अगला पैकेट आ रहा है, उसके फ़ौरन बाद अगला पैकेट भी तो है पीछे, क्योंकि इंटरनेट तो भाई तो सब कुछ चल रहा है एक साथ ही एक ही झटके में, यूट्यूब भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, बैकग्राउंड में वीडियो प्ले हो रही है, सामने किसी का मैसेज आ गया जवाब दे रहे हैं, ये तो बैक एंड फोर्थ इतनी कम्युनिकेशन हो रही है, तो स्पीड तो बहुत है, लेकिन वो मैनेजमेंट कैसे होगी कि एक के पीछे दूसरा पैकेट आ रहा है। अच्छा, हर पैकेट के अंदर ये बात, यानी पहला पैकेट जो आएगा ना, मैंने इंटरनेट की तार यूँ लगाई, जो पहला पैकेट इस तार में दाखिल होगा या मेरे पास पहुँचेगा, उस पैकेट में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा हेडर। हेडर के अंदर ये कोड अंदर है, अभी हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोड होता है कि जी ये कोड है किसका, टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट डेटा आ रहा है, और साथ में लिखा हुआ है कि इसकी लेंथ कितनी है। अच्छा जी 200 कैरेक्टर का टेक्स्ट है ये, तो वो 200 कैरेक्टर का टेक्स्ट पूरा अंदर करूँगा मैं, अब यहाँ पर ये एक पैकेट ख़त्म हो गया। अब अगला जो भी बिट होगा ना उसको मैं पढ़ूंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि अगला पैकेट कौन सा है और इसकी लेंथ क्या है, फिर मैं उतने दूर तक अगले पैकेट को पकड़ूंगा वो ले लूँगा मैं, ठीक है। इसी तरह तीसरा पैकेट, और इसी तरह हज़ारों और लाखों करोड़ों की तादाद में ना पैकेट आ और जा रहे होते हैं एक ही तार में से, ठीक है। एक ही तार है जिससे ये इस बिल्डिंग में मौजूद तमाम कंप्यूटर, तमाम मोबाइल फ़ोन, तमाम लैपटॉप, एक ही तार से डेटा आना जाना हो रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में एक ही कनेक्शन लगा हुआ है ना, या शायद इन्होंने बैकअप के लिए आजकल 2 लगा लिए, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें 500 MB का अगर एक कनेक्शन है तो इतने सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं और 500 Mbps का डेटा बैक एंड फोर्थ आना जाना हो रहा है। आप सोचेंगे तो दिमाग चकरा जाता है कि यार इतना ज़्यादा डेटा और इतना बैक एंड फोर्थ वो हो रहा है तो मैनेज कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये नेटवर्किंग की पूरी फील्ड है, नेटवर्किंग के अंदर इसकी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसकी सारी जो है ना वो हेलो हाँ अगर मैं क्लास के बाद बात करूं, नहीं तो यहाँ पे नहीं मिल जाएगा। चलो सही है, मैं आ रहा हूँ, मैं क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। क्या बता रहा था यार मैं, हाँ तो ये नेटवर्किंग की फील्ड है पूरी भाई, अब इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें इसकी सॉफ्टवेयर साइड पे रहना है। अच्छा, इंटरनेट समझ आ गया कि इंटरनेट की कम्युनिकेशन कैसे चल रही है। अब वेब सर्वर जो है ना हमारा, क्योंकि वो ओवर द इंटरनेट चल रहा है वेब सर्वर, तो वेब सर्वर में भी क्या होता है, जब मेरा 2 सॉफ्टवेयर हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, मेरा वेब सर्वर और मेरा फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन है जो HTML CSS JavaScript से बनी हुई, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मेरे फ्रंट एंड से जब एक रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सर्वर पे
तो वो रिक्वेस्ट जो होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किस किस्म की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। अच्छा, वो रिक्वेस्ट जो होगी उसमें दो पार्ट होंगे उसके, एक बॉडी और एक हेड। अच्छा, हेड में ये लिखा हुआ होगा कि ये रिक्वेस्ट किस टाइप की है, ये रिक्वेस्ट जो है वो किस टाइप की है। अच्छा, दूसरा उस हेड में ये लिखा हुआ होगा कि इस जो मैं बॉडी भेज रहा हूँ उसके साथ, यानी जो जेसन भेज रहा हूँ या टेक्स्ट भेज रहा हूँ या जो भी भेज रहा हूँ, उसका साइज़ क्या है, केबी में या बिट में उसका साइज़ क्या है, वो उसमें लिखा हुआ होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ उसमें ये बात लिखी हुई होगी कि ये रिक्वेस्ट किस टाइप की है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ये चार टाइप की जो मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट है जो एक वेब सर्वर पे की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये चार जो टाइप हैं इसका क्या मतलब होता है कि जी मिसाल के तौर पे स्लैश प्रोफाइल, इस राउट पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे वेब सर्वर, यानी मैं जब API कॉल कर रहा हूँ तो इस तरह से होगी कुछ कि जी सर्वर का URL और स्लैश प्रोफाइल। अब प्रोफाइल, अब इसकी टाइप है गेट। गेट का मतलब है कि मैं सर्वर से कुछ लाऊंगा, इधर कुछ मंगवाना चाह रहा हूँ सर्वर से, ठीक है। पोस्ट का मतलब ये है कि मैं सर्वर पे कुछ भेज रहा हूँ, ठीक है। यानी स्लैश प्रोफाइल पे अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो इसका मतलब है एक प्रोफाइल मैं सर्वर को भेज रहा हूँ। टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ऑन सर्वर, सर्वर पे कोई नया डेटा क्रिएट करेगी ये रिक्वेस्ट जाके, ठीक है। अच्छा, पुट, और पुट का मतलब है एडिट। पुट का मतलब है मैं स्लैश प्रोफाइल पे एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अगर पुट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एक एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को एडिट करने जा रहा हूँ सर्वर पे, ठीक है। और लास्ट में जो डिलीट की रिक्वेस्ट है, स्लैश प्रोफाइल पे अगर मैं डिलीट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कोई प्रोफाइल डिलीट करने जा रहा हूँ सर्वर पे। तो ये चार टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है। तो इनमें से वो टाइप लिखी भी होगी, तो हेडर में हमने देखा कि क्या क्या लिखा हुआ होगा, रिक्वेस्ट की टाइप, रिक्वेस्ट के अंदर किस किस्म का डेटा है, टेक्स्ट है, जेसन है, फोटो है, और उसकी लेंथ। अच्छा, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, वो हम जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे ना वो खुद ही देख लेगा, जैसे कि लेंथ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि बॉडी की लेंथ कितनी है, वो लाइब्रेरी जो हम यूज़ करेंगे, एक्सियोस हम सब ने यूज़ किया है तो एक्सियोस ये मसला खुद हैंडल कर लेता है। रिक्वेस्ट किस टाइप की है यानी जेसन है या वो भी हैंडल कर लेता है, सिर्फ हमें जो है ना गेट, पुट और या पोस्ट और डिलीट ये चीज़ बतानी पड़ती है, क्योंकि ये तो मुझे पता है ना, ये उसको लाइब्रेरी को नहीं पता, ठीक है। बाकी जो डेटा मैं रखता हूँ उसको कैलकुलेट मार के खुद ही वो लेंथ वेंथ देख लेता है, वो हमें नहीं करना होता। अच्छा, अब यहाँ से रिक्वेस्ट निकली और मेरे सर्वर पे पहुँची, मेरे सर्वर पे ये जो API हमने बनाई है ना, ये जो API हमने बनाई है, ये वाली स्लैश और स्लैश प्रोफाइल, अगर तो स्लैश प्रोफाइल पे गेट की रिक्वेस्ट आएगी ना तो इस जगह पे हिट होगा, अदरवाइज इस जगह पे हिट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने स्लैश यूज़र भेजा तो वो तो क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं तो उसका रिस्पांस चला जाएगा 404। अच्छा, रिस्पांस जो जाएगा मेरे सर्वर से उसमें भी क्या होगा, हेडर होगा और बॉडी होगी, सही है, क्योंकि वो भी तो रिस्पांस भी तो ओवर द इंटरनेट जा रहा है ना, जहाँ से रिक्वेस्ट आई है वहीं जा रहा है तो वो ओवर द इंटरनेट रिस्पांस जाएगा, तो रिस्पांस में भी हेडर और बॉडी होगा। अच्छा, हेडर में क्या बात लिखी हुई होगी कि जी वो रिस्पांस जहाँ से आया था ना उसका पूरा राउटिंग टेबल, क्योंकि इंटरनेट अभी जो करंट इंटरनेट काम करता है ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, तो यहाँ से जब रिक्वेस्ट निकली राउटर में गई, राउटर की एक IP है, उससे बाद अगले राउटर में गई, वहाँ की एक IP है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तलाश करके और मेरे अमेरिका में रखे हुए साइक्लिक के सर्वर तक वो पहुंच गई, साइक्लिक पे जो होस्ट हुआ है। अब वो किस किस कंप्यूटर से होते हुए गई है वो रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ से निकली होगी तो शायद PTCL का इंटरनेट है तो PTCL के सर्वर पे गई होगी, ठीक है, जो PTCL ने DNS लगाया हुआ है या जो भी उन्होंने राउटिंग सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सबमरीन के केबल में दाखिल हुई होगी, ट्रांसवर्ल्ड वालों की सबमरीन की केबल में, तो वहाँ भी कोई ना कोई डिवाइस लगी होगी जो उसको राउटिंग करती होगी उसकी। तो ये सारा राउटिंग टेबल, यानी कि किस गली से कितना कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, वो सब उसके अंदर राउटिंग टेबल साथ लेके पहुँचती है। जब सर्वर पे पहुँचती है ना मेरी रिक्वेस्ट तो वो पूरी राउटिंग टेबल भी पहुँचती होगी, तो रिस्पांस का जो हेडर होगा उसमें वो राउटिंग टेबल होगी कि जी इस रास्ते से इसको वापस घर भेजना है जहाँ से ये रिक्वेस्ट आई है। नंबर दो, स्टेटस कोड होगा। स्टेटस कोड क्या होगा, HTTP स्टेटस कोड कि जी वो रिक्वेस्ट क्या सक्सेसफुल रही या फेल हो गई या क्या हुआ। अभी वो हम देखते हैं कि स्टेटस कोड 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। अच्छा, और फिर रिस्पॉन्स की जो बॉडी है उसमें आया कि कोई डेटा है, अगर वो डेटा है तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी टाइप क्या है, जेसन का रिस्पॉन्स है या इमेज है रिस्पॉन्स में
या टेक्स्ट है रिस्पॉन्स में वो लिखा होता है, तो ये सारा कुछ हेडर के अंदर, ये रिस्पॉन्स का हेडर बता रहा हूँ आपको मैं, और फिर रिस्पॉन्स की बॉडी में जो वो जो एक्चुअल डेटा होता है वो डेटा होता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि जी एक रिक्वेस्ट हमारे फ्रंट एंड से निकल के सर्वर पे पहुंची, सर्वर पे उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया गया, वहां से जो रिस्पॉन्स आया वो भी हेडर और बॉडी की सूरत में, और फ्रंट एंड पे मुझे वो आप सब लोगों ने एक्सियोस से API कॉल की है, वेदर ऐप बनाई है, सही है, वेदर ऐप नहीं तो न्यूज़ ऐप बनाई होगी किसी ने, सब लोगों ने एक्सियोस से API कॉल की हुई है, कोई ऐसा तो नहीं है इसने नहीं की हुई, कोई दूसरी क्लास का भी अगर कोई है तो, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने एक्सियोस से अभी तक API कॉल नहीं की। यार ये तो मसला है, किससे की है कॉल API पर? फैच से की है, API पड़ी नहीं है। अच्छा तो वेदर ऐप वाली फिर वीडियो देख लेना, सही है। जब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जहाँ पे पढ़ाया था ना मैंने, उसके आसपास कहीं मैंने वेदर ऐप बनवाई थी, तो उसकी वीडियो मौजूद है। हाँ देखा है वेदर ऐप, बस वो हाथ से एक दफ़ा बना लेना, सही है, एक दफ़ा वो हाथ से बना लेना। अच्छा देखो तो वेदर ऐप में क्या हो रहा था, जो हमने ओपन वेदर API करके हमने इस्तेमाल किया था, तो वेदर ऐप में हम क्या करते थे, किसी का बनाया हुआ सर्वर हम इस्तेमाल करते थे, अब हम इस्तेमाल करेंगे अपना खुद का बनाया हुआ सर्वर। तो क्या ख्याल है, शुरू किया जाए फिर? अच्छा अब हम यहाँ पे एक अदद API बना लेते हैं, ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ वेदर, और क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट है, मेरा जो फ्रंट एंड है वो कुछ मांगेगा सर्वर से तो ये मिलेगा, ठीक है, तो वो बोलेगा गेट, तो मैं यहाँ पे गेट बना रहा हूँ, तो गेट और वेदर। अच्छा और रिस्पॉन्स में मैं क्या भेजता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं इसको भेजता हूँ एक अदद ऑब्जेक्ट, सही है, ऑब्जेक्ट में मैं कहता हूँ कि भाई सिटी बीजिंग टेम्परेचर नहीं, 100 बहुत हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ठीक है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और 30 मैंने कर दिया, और क्या मतलब, अभी अभी हम खुद का सर्वर बना रहे हैं वेदर का। अच्छा इस सर्वर के अंदर जो डमी डेटा है ये डमी डेटा है, सही है, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन हम ज़रा ये करके देखते हैं कि क्या होता है, ताकि मेक सेंस हो जाए, जिन लोगों ने वेदर ऐप बनाई भी एटलीस्ट उन लोगों के लिए मेक सेंस हो जाए कि क्या चक्कर है। अब देखो रिस्पॉन्स में मैं क्या भेज रहा हूँ, एक अदद जेसन भेज रहा हूँ। अच्छा मैंने रिस्पॉन्स के अंदर हेडर खुद से नहीं बनाया है, मैं हेडर नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं बना रहा, हेडर के अंदर जो भी बातें लिखी होती है ना वो मेरा जो सर्वर है ना, यानी जो एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो फ्रेमवर्क ये चीज़ें खुद बना देगा, मुझे सारी चीज़ें खुद से नहीं बनानी की ज़रूरत पड़ेगी, बनेगा तो सब ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक वो हेडर में सारी चीज़ें होंगी नहीं वो रिक्वेस्ट कहीं गुम हो जाएगी रास्ते में, उसको पता ही नहीं चलेगा जाना कहाँ, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, वो कोई और करेगा, यानी कि मेरा फ्रेमवर्क ये काम करेगा। और ह्यूमिडिटी बता दी मैंने, और हाई बता देता हूँ इसका, हाई मैंने कह दिया कि भाई 32 हो सकता है आज का, और लो जो है वो मैंने कह दिया कि भाई 18 हो सकता है, ठीक है, बहुत वेरिएशन है आजकल वेदर में इनके, मैंने कहा 18 से 32 पर उठा के फेंकता है ये सीधा। ये हो गया जी, मैंने ये रिक्वेस्ट बना ली, अब इस रिक्वेस्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से npm start का बटन, npm start का बटन दबा दूँगा मैं। अच्छा npm start का बटन दबाने से क्या होता है कि मैं जब भी सर्वर में कोई चेंजेस करता हूँ ना, मुझे सर्वर को रोक के दोबारा चलाना पड़ता है ना, ये करना पड़ता है ना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक हल है मेरे पास, मैं लिखूँगा नॉर्ड मॉन स्पेस और मेरी फाइल का नाम, पहले मैं क्या लिखता था नॉर्ड स्पेस मेरी फाइल का नाम, अब मैं क्या लिख रहा हूँ नॉर्ड मॉन स्पेस मेरी फाइल का नाम, तो ये मैंने चलाया तो ये लाइव सर्वर इसका चल गया, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है, जब जब मैं कोई चेंजेस करूँगा ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। आप जब ये कमांड पहली दफ़ा चलाएंगे तो आपके पास एक अदद एरर आएगा कि नॉर्ड मॉन इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा sudo npm i माइनस g नॉर्ड मॉन, ठीक है। sudo सिर्फ लिनक्स और मैक में लगाने की ज़रूरत होती है, विंडोज़ में sudo लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, विंडोज़ में अगर कोई इशू आया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का तो हाँ सही है, हो गया।
अगर विंडोज़ में इस तरह का कोई एरर है तो आप टर्मिनल को या सीएमडी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, ठीक है, तो ये उसी का इक्वल है सूडो। अच्छा, अब मैं ये नॉर्ड मॉन स्पेस मेरी फाइल का नाम ना ये बार बार मैं हाथ से टाइप नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं अपने पैकेज डॉट जेसन में जाकर एक और स्क्रिप्ट बनाऊँगा स्टार्ट के साथ, जिसका नाम रखूँगा मैं डेव, ठीक है, और डेव में आके मैं नॉर्ड मॉन यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है, नोट करें आप। तो अब मैं एन पी एम स्टार्ट चलाता था, अब मैं क्या चलाऊँगा, एन पी एम रन डेव, ठीक है, स्टार्ट जो है वो सिर्फ बगैर रन के चलता है, बाकियों के साथ मुझे रन लगाना पड़ता है, ठीक है, मैं कहूँगा एन पी एम रन डेव एंटर, तो ये भाई मेरा नॉर्ड मॉन चल पड़ा, ठीक है। नॉर्ड मॉन जैसे ही चल गया तो ये रिक्वेस्ट मेरे पास जो है ये अब लाइव हो गई है मेरे कंप्यूटर के अंदर अंदर। अब मैं जाके क्या करूँगा, मैं कहूँगा लोकल होस्ट 3000 कॉलन क्या था मेरा, सॉरी स्लैश वेदर। अच्छा, ब्राउज़र से जब रिक्वेस्ट जाती है ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट की ही रिक्वेस्ट होती है, ब्राउज़र से मैं पोस्ट की या डिलीट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ब्राउज़र से गेट की रिक्वेस्ट जाती है। एंटर किया मैंने, देखो मुझे इस तरह का वेदर मिल गया, ऐसा ही होता था ना ओपन वेदर में, ये सेम वो चीज़ बन गई है, हमारा खुद का सर्वर अब बन गया ये, ठीक है, जो कि मैं साइक्लिक पे होस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने अगला काम क्या करना है, अब मैंने अगला काम ये करना है कि एक चुन्ना मुन्ना सा मैंने फ्रंट एंड बनाना है, और उसके लिए मैंने कहा कि भाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इसको आमतौर पर पब्लिक का एक फोल्डर बनाते हैं उसमें रखा जाता है, ठीक है, पब्लिक का फोल्डर बना के मैंने इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना दी, सही है, नोट करना। अच्छा, और मैंने क्या किया, इसमें आके बेसिक एक एच टी एम एल लिख दिया, उसमें मैंने एच वन लिख दिया, मैंने कहा माई डमी वेदर ऐप, सही है, और उसके बाद मैंने एक डिव बना दिया। अब इसके बाद मैं एक फॉर्म बना देता हूँ, अच्छा बल्कि उसमें से उठा के ले आता हूँ ना, पूरी वेदर ऐप उठा के ले आता हूँ, ओके कहाँ गई यार मेरी वेदर की ऐप, 23, यस, ये मैं पूरा वेदर ऐप का कोड ना उठा रहा हूँ यहाँ से, सही है, पूरा वेदर ऐप का कोड मैंने उठा लिया यहाँ से और मैंने इसको इधर लगा दिया, सही है, ये हेड बॉडी भी डबल डबल हो गया ना, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब ये ज़रा इसको कॉपी पास्ट करता हूँ मैं और यहाँ ला के ज़रा चला के देख लेता हूँ ये किस तरह की दिख रही है, ये माई डमी वेदर ऐप और एक छोटा सा इसके अंदर जो है ना फॉर्म बना हुआ है, और उस फॉर्म को सबमिट करने पे क्या होता है, एक फंक्शन चलता है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी आगे ज़रा इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू मैंने क्या किया वाला कि ये मेरे पास एक अदद फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म के अंदर एक सिटी नेम है, इनपुट है और एक सबमिट का बटन है ये, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, डिव आईडी रिज़ल्ट, एक डिव है जिसके अंदर रिज़ल्ट मैंने शो करवाना है, और वो डिव चलो यहाँ बंद है, इसको मैं सिंगल लाइन में कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक स्क्रिप्ट लगी हुई है जो कि क्या है, एग्जियोस की स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट मैंने कैसे लगाई, ये स्क्रिप्ट मैंने ऐसे लगाई है कि मैं गया हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एग्जियोस लिखा, एंटर किया और एग्जियोस की वेबसाइट आ गई पहले नंबर पे, इसके अंदर गया मैं, इसके अंदर जाके मैंने इंस्टॉलेशन का जो सेक्शन है वहाँ पे ना ये देखें, ये दो CDN इन्होंने दिया हुआ है, एक JS डेलीवर का और एक अनपैकेज का, ये दोनों में से कोई भी लगा लूँगा तो वो एक ही काम करेगा, एक ही चीज़ है, उसके अलावा मैं इसको NPM से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, मॉड्यूल ES मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेल तो मैं फ़िलहाल इसको CDN ही रहने देता हूँ। अच्छा, ये हो गया, और अगला अब मैं इसमें क्या काम कर रहा हूँ, ज़रा अगला काम देख लेते हैं। ये फंक्शन है मेरा गेट वेदर के नाम से, इस गेट वेदर के नाम के अंदर मैं सबसे पहले सिटी का नाम गेट करता हूँ, ठीक है, सिटी का नाम गेट करता हूँ, साथ में API की। अच्छा, अब मुझे API की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा अपना सर्वर है, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद एग्जियोस डॉट गेट के अंदर क्या लगा हुआ है, ओपन वेदर मैप का इसमें URL लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं ओपन वेदर मैप का ये URL पूरा हटा के क्या कर दूँगा, अपना URL लिख दूँगा जो कि http://, ठीक है, लोकल होस्ट
कॉलन 3000/ वेदर, ठीक है। और ये गेट यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है एग्जियोस डॉट गेट, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, गेट की रिक्वेस्ट भेजेगा स्लैश वेदर पे और मेरे सर्वर पे। अच्छा, अभी मैं इसमें लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें लोकल होस्ट अल्टीमेटली नहीं लिखूंगा, मैं इसमें अपने सर्वर का URL लिखूंगा, ठीक है। और अल्टीमेटली इसको हम देखेंगे कि इसको हैंडल कैसे किया जाता है, अभी मैं जस्ट समझाने के लिए लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे कभी भी इस तरह से लोकल होस्ट आमतौर पे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको क्लाउड पे जब होस्ट करने लगेंगे तो एक दूसरी स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स में मैं क्या तलाश करता हूँ, करंट टेम्परेचर ऑफ, मैं पहले तो यहाँ पे मैंने ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल करवा दिया, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में क्या कंसोल हो जाएगा, आगे ज़रा देख लेते हैं कि क्या कंसोल हो जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा को जब मैं कंसोल करवाऊँगा ना, तो कुछ इस तरह का डेटा कंसोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जेसन यहाँ पे कॉन्सोल हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा में। अच्छा, अब मैंने अगला काम क्या करना है कि जी मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट रिजल्ट, रिजल्ट में मैंने दिखाना है कि करंट टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जी करंट टेम्परेचर इज, और इसके बाद मैंने ये टेम्परेचर यहाँ पे दिखाना है, तो मैं कहूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टेम्परेचर इन सी, ठीक है। टेम्परेचर की स्पेलिंग क्या गलत है, TEMPERATURE, हाँ TAMPER होगा, यस हाँ सही है। तो मैंने कहा जी करंट टेम्परेचर इज दिस दिस दिस, जो भी मेरे सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, ये मेरी ऐप रेडी हो गई, लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया, इस वेदर ऐप में एग्जियोस के API के बजाय मेरे खुद का सर्वर का एड्रेस लगा हुआ है। आ जाते हैं जी, इसको अब हम चला के देख लेते हैं। ये मेरी वो डमी API आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिखूँगा, क्योंकि सर्वर पे मैं नाम तो देखता नहीं हूँ, जो मर्ज़ी नाम आया मैं यहाँ से रिस्पॉन्स उठा के भेजता हूँ। तो ये मैंने कुछ भी डमी बात लिखी और रिक्वेस्ट मारा, तो ये क्या हुआ, एरर आ गया। अच्छा, ये एरर इस वजह से आया कि मैं क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एरर इस वजह से आया है कि मैं क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट क्या होता है, मेरा सर्वर इस वक्त अलग पोर्ट पे चल रहा है 3000 पे, और मेरा ये जो फ्रंट एंड है ये अलग पोर्ट पे चल रहा है। अल्टीमेटली ये दोनों एक ही सर्वर पे चल रहे होंगे, अभी वो भी हम आज करके उठेंगे इंशाल्लाह, टाइम है हमारे पास थोड़ा अभी 20 मिनट। तो ये अलग अलग URL पे दोनों मौजूद हैं, इस वजह से ये आ रहा है एरर। तो इसके लिए एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं सर्वर पे, जिसको हम कहते हैं कॉर्स, अरे अरे बस बस, सर्वर पे एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्स। तो मैं ज़रा अपने सर्वर को रोकता हूँ, यहाँ पे npm i कॉर्स लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, जिससे मेरे पास कॉर्स की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी, मैंने कॉर्स को इंस्टॉल किया। अब मैं, अच्छा मैंने कॉर्स कहाँ से इंस्टॉल किया ज़रा ये देख लो, कोर्स लिखा, एंटर किया, ये आ गया जी npm कोर्स, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए होता है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है जी npm i कोर्स, यहाँ से देख के मैंने इसको इंस्टॉल किया, और उसके बाद इसको लगाने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये रहा, इसको ऊपर रिक्वायर करना होगा और ऐसे करके फिर उसको लगा देना होगा। तो जी आ जाते हैं हम, ठीक है। ये ऐप को इनिशियलाइज जहाँ पे मैंने किया है ना, उसके बाद सबसे पहला काम किया है मैंने ये कोर्स को अटैच किया है इसके साथ, और मुझे उससे भी ऊपर क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है। इम्पोर्ट मैंने इसलिए लिखा है, नया वाला है, यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर का सिंटैक्स बताया है, दैट इज़ ओल्ड सिंटैक्स, ठीक है। अब ज़रा ये सेम चीज़ हम दोबारा करके देखते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं नॉर्डबॉर्न चला रहा हूँ तो मुझे मेरे सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है। अब ज़रा हम दोबारा से इसको रिक्वेस्ट करके देखते हैं क्या बोलता है ये। अब आ गया मेरे पास टेम्परेचर, सही है, इसी तरह आता था एग्जियोस से ओपन वेदर पे भी, टेम्परेचर इस 30°C हो गया। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं हम कि जी रिस्पॉन्स तो यहाँ से भेज रहे हैं हम, लेकिन अब मैं ये करना चाहता हूँ कि यार मैं सिटी का नाम भी पूछूँ, सामने से सिटी का नाम पूछूं और
उस सिटी के नाम को यहाँ पकड़ूँ और डिपेंडिंग ऑन के सिटी का नाम क्या है मैं उसको अलग अलग वेदर भेजूँ। अच्छा तो मैं एक बना लेता हूँ जल्दी से फिर। अभी मैं लोकल वेरिएबल में ना बना रहा हूँ, मैंने कहा लेट वेदर डेटा इक्वल्स टू कराची के अंदर मैंने ये बता दिया, सही है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि यार लंदन ठीक है, अभी दो ही सिटी हैं, चलो कराची होगा तो ये वाला चला जाएगा, लंदन होगा तो ये वाला चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा वेदर के बाद स्लैश कॉलन सिटी नेम। अब ये कॉलन के बाद मैं कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ, ये पैरामीटर है, ये इनपुट पैरामीटर है, या इसको यू आर एल पैरामीटर भी कहते हैं। अब मुझे स्लैश वेदर स्लैश सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मुझे मिलेगा कैसे, ये मुझे मिलेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के नाम से मिलेगा मुझे, ठीक है। मुझे ये कैसे मिलेगा, मैंने कहा लेट यूज़र इनपुट सिटी नेम, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी लिखा था मैंने, सिटी नेम लिखा था, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम में से मैंने ये बात पकड़ ली। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे वो सिटी फाइंड आउट करानी है, ठीक है, सिटी फाइंड आउट करानी है। मैं कैसे लिखूँगा भाई, इसको मैं पहले तो लोअर केस में कन्वर्ट कर लूँ ना, हो सकता है बंदे ने के कैपिटल लिखा हो या दरमियान का कोई कैपिटल, तो मैं इसको स्मॉल कर दूँगा ताकि वो मैच करने में आसानी हो मुझे। तो मैं बोलूँगा कि यार टू लोअर केस, टू नहीं लिखा मैंने, सही है। स्ट्रिंग का एक मेथड है ये टू लोअर केस, हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, तो देखो ये अभी जान नहीं छोड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के छोटे मोटे मेथड ये साथ साथ चलेंगे हमारे। अच्छा तो टू लोअर केस कर दिया मैंने, अब ये टू लोअर केस करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ लगा के मुझे चेक करना होगा, इफ़ लगा के मुझे क्या चेक करना होगा कि मेरा जो वेदर का डेटा है लेट वेदर डेटा टू सेंड, कि अभी जो मैं वेदर का डेटा भेजने वाला हूँ वो क्या होगा, वेदर डेटा का इंडेक्स सिटी नेम, सॉरी यूज़र इनपुट सिटी नेम, सही है। ये ऑब्जेक्ट है ना मेरा, और ऑब्जेक्ट पे डॉट करके भी लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इमेजिन करो यहाँ पे बंदे ने क्या भेजा है, यहाँ पे बंदे ने कराची भेजा है, तो वेदर डेटा डॉट कराची में मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। अदरवाइज बंदे ने कोई और बात लिखी होगी तो अनडिफाइंड मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इफ़ वेदर डेटा टू सेंड, ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स अनडिफाइंड में लिख सकता हूँ, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनडिफाइंड इज़ अ फॉल्सी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा कि भाई अगर तो ये डेटा है तो क्या कर दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेदर डेटा टू सेंड, एल्स में मैं क्या करवा दूँगा, एल्स में बहलूँगा भाई 404, ये मिल ही नहीं रहा मुझे। कैसा बना लिया मैंने छोटा सा एक सर्वर लॉजिक के साथ, समझ आया ये क्या हुआ है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक डमी वेदर डेटा यहाँ पे बना लिया है। अच्छा अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट की जगह एक डेटाबेस होगा अल्टीमेटली, सही है ना, अभी तो ये मैंने वैसे ही बना दिया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जगह पे एक अदद डेटाबेस होगा मेरा, जिसमें सम हाउ अपडेटेड वेदर होगा सम हाउ। अभी वो नहीं हम गौर कर रहे कि वो कैसे हम रियल लाइफ का डेटा ले रहे होंगे, वो सब बड़ा सेटअप होता है, लेकिन सम हाउ हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसकी जगह पे कोई डेटाबेस होगा जिसमें रियल डेटा होगा वेदर का। अच्छा तो अभी फिलहाल मैंने ये डमी डेटा बना लिया, मैंने कहा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम डॉट टू लोअर केस, जो भी बंदे ने पैरामीटर में भेजा है सिटी का नाम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके यूज़र इनपुट सिटी नेम के वेरिएबल में लगा लो, और फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद मेरे डमी डेटा के अंदर इस सिटी का वेदर निकालो, अगर तो यहाँ पे से ऑब्जेक्ट आएगा कोई या तो अनडिफाइन आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ चेक किया कि इफ़ डेटा है तो डेटा भेज दो, एल्स बोलो भाई 404, ठीक है, 404 बोल के कहानी ख़त्म कर दो, ठीक है। और साथ में मैं एक मैसेज भी लिख देता हूँ कि भाई वेदर डेटा इज नॉट अवेलेबल फॉर क्या, इसको बैकटिक बनाते हैं ना ताकि वो मैं सिटी का नाम लिख दूँ बाकायदा,
सही है, इसको बैकटिक बना के ना मैं बकायदा लिखता हूँ कि भाई जो भी सिटी का नाम लिखा है आपने फॉर रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम, सही है पैरामीटर्स के लिए, ये पैराम्स ही है, यही नाम है इसका एस क्या हाँ डॉलर के, ये ES6 है ना, ES6 का स्ट्रिंग है ये, हाँ वेरिएबल का नाम ही तो डाल सकते हैं इसमें, तो मैंने वही तो डाला है असल में। देखो पता है क्यों मैंने ये डाला है, मैं ये वाला भी लिख सकता था इसमें, है ना, लेकिन मैं एग्जैक्टली यूज़र को वही दिखाना चाह रहा हूँ जो उसने लिखा है। उसने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही देखेगा वो ना, उसको मेक सेंस बनेगा, वो बोलेगा यार ये स्मॉल कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यूज़र को मैं एग्जैक्टली जो उसने लिखा है वही दिखा रहा हूँ, वो तो मुझे पता है ना कि मैं उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको चेंज करता हूँ, वो मैंने अपने पर्पज़ के लिए किया। यूज़र को मैं ये बताना नहीं चाह रहा कि मैंने उसको चेंज किया है या क्या किया है, बस मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई नहीं है जाओ यहाँ से, सही है। तो ये मैंने वो बता दिया इसको। अच्छा जी भाई, हाँ पैरामीटर्स, URL पैरामीटर के लिए ना पैराम्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पैराम्स स्टैंड्स फॉर URL पैरामीटर। तो मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 और वेदर डेटा इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस सिटी एंड दैट्स ऑल। आ जाते हैं जी अब ज़रा हम HTML के पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आके ज़रा रिफ्रेश करते हैं इसको और यहाँ पे हम कराची लिख के एंटर करते हैं। ओए नहीं नहीं वो असल में ये क्या हुआ, नहीं नहीं मैं जानबूझ के कैपिटल में लिख रहा हूँ ना, वहाँ तो लोअर केस बनाया हुआ मैंने सर्वर पे उसको। अच्छा सर्वर पे हम एक काम करते हैं, जो भी बंदे ने ये लिखा है ना ये वाला, इसको ज़रा कंसोल भी ले लेते हैं इधर, ये क्या हो रहा है। अच्छा वेदर के पास स्लैश मैंने सिटी का नाम नहीं लिखा ना, तो वो मिल ही नहीं रहा उसको। अच्छा तो मुझे आके अपने HTML को चेंज करना होगा थोड़ा, और चेंज करके HTML को मैं स्लैश डाल के ना यहाँ पे जो यूज़र से मैंने सिटी नेम लिया वो तो भेजूँ साथ साथ, तभी तो पता चलेगा उसको कि हाँ यार ये सिटी का नेम है, ठीक है। अब हुआ है ये सही, जो मैंने सर्वर पर लिखा था अकॉर्डिंगली उसके अब URL तैयार हुआ है मेरा, है ना। मैंने कहा था स्लैश वेदर स्लैश सिटी का नाम, ये मुझे चाहिए होगा, अब मुझे मिलना चाहिए वो यहाँ पे। अब मैं लिखूँगा कैपिटल्स में भी कराची, तो ये कराची का ले आया डेटा, ठीक है कराची लाया। अब मैं इसको लिखूँगा, हाँ नहीं तो मैंने 30 लिखा है ना दोनों में। यहाँ पे देखो तुम, यहाँ देखो सिटी आया एक तरफ लंदन एक तरफ कराची, सही है। चलो टेम्परेचर चेंज कर देते हैं हम, लंदन को थोड़ा ठंडा कर देते हैं हाथ के हाथ, ये लो लंदन को हमने कर दिया थोड़ा ठंडा। हमने कहा भाई टेम्परेचर इसका जो है ना वो चल रहा है 5 डिग्री चल रहा है कराची को, हाँ नहीं यार कम टेम्परेचर भी एक मसला ही है, जैसे गर्मी मसला है ना ठंड इससे बहुत बड़ा मसला है। हम लोगों को थोड़ा लगता है ना ठंड यार मज़ेदार है थोड़ा, नहीं भाई ठंड जो है ना गर्मी से ज़्यादा बड़ा मसला है। अच्छा ठीक है जी, अब लंदन का 5 आ रहा है और कराची का ये 30 आ रहा है। तो ये मैंने क्या कर लिया, अपने जो छोटा सा सर्वर था उसको मैंने उसमें मैंने कम्युनिकेशन करवा ली उसके मेरे फ्रंट एंड से, अभी सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा अब ज़रा एक काम छोटा सा और हमने करना है कि ये पेज ना अल्टीमेटली सेम सर्वर पे ये हो पेज मेरा, ठीक है। अच्छा इसके लिए काम क्या करते हैं हम, इसके लिए चीज़ होती है एक एक्सप्रेस स्टेटिक। आ जाते हैं ज़रा हम एक्सप्रेस स्टेटिक लिखूंगा ना यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मैं पहुँच जाऊँगा। अच्छा स्टेटिक फाइल को सर्व करने के लिए इन्होंने देखो ये वाला कोड लिखा हुआ है,
ठीक है, स्टेटिक फाइल को सर्व करने के लिए। अच्छा ये कांस्टेंट पाथ जो इसने रिक्वायर किया हुआ है, मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। अच्छा ये जो अंडरस्कोर dir नेम है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल हुआ करता था कुछ अरसे पहले तक, यानी ES5 तक, लेकिन अभी अंडरस्कोर dir नेम जो है ना, अब ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ES6 मॉड्यूल में ग्लोबल वेरिएबल कुछ भी नहीं होता, विंडो डॉट करके चीज़ें मिल रही होती हैं, अब आपने देखा होगा, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो ये अंडरस्कोर dir नेम का ना एरर आएगा थोड़ी देर में, तो वो उसी में उसका सॉल्यूशन हम देख लेंगे, मैं उसका कोड भूल गया हूँ कि कैसे होता है। अच्छा इस इम्पोर्ट को मुझे रखना होता है टॉप पे, ये मेरे लिए ज़रूरी है, अगर मैं टॉप पे नहीं रखूँगा इम्पोर्ट सारे तो मुझे एरर देता है ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार, अच्छा ये मैंने क्या बात लिखी है, ज़रा इसको गौर से समझ लें, ये मैंने बात ये लिखी है कि भाई जब मेरे सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो आती है पाइपलाइन मैकेनिज़्म के थ्रू। किसके थ्रू आती है वो? पाइपलाइन मैकेनिज्म क्या होता है कि सर्वर पे रिक्वेस्ट जब आएगी तो ऊपर से गिरेगी और ऊपर से नीचे की तरफ आएगी गिर के, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे पास जो ऐप इनिशियलाइज़ हो रही है ना, सर्वर की जो ऐप इनिशियलाइज़ हो रही है वो यहाँ हो रही है, एक्सप्रेस का जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर इनिशियलाइज़ हो रहा है, तो रिक्वेस्ट यहाँ से ही कहानी शुरू होगी। मैंने सबसे पहले क्या बोला, ऐप डॉट यूज़ कोर्स। अच्छा अब देखो, एक तो है गेट, एक है पोस्ट, ये यूज़ क्या चीज़ है? ये यूज़ ये चीज़ है कि देखो, अगर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है ना, और उस स्लैश वेदर और गेट की रिक्वेस्ट, स्लैश वेदर और गेट की रिक्वेस्ट, तो ये होगा कि वो ऐसा राउट तलाश करेगी यहाँ पे जिसमें स्लैश वेदर हो और इधर गेट हो। लेकिन जो यूज़ है ना, उसमें ये नहीं होता, यूज़ में ये होता है कि जी हर रिक्वेस्ट इससे होके गुजरेगी। तो जब रिक्वेस्ट यहाँ पर मैंने यूज़ लगाया ना, इसका मतलब है कि हर रिक्वेस्ट इस कोर्स की लाइब्रेरी के थ्रू होके गुजरेगी। अच्छा ये कोर्स क्या करता है, कुछ चीज़ें ऐड कर देता है बॉडी में, जिसकी वजह से मेरा जो क्रॉस ओरिजिन है ना वो अलाउ कर देता है। अब क्रॉस ओरिजिन हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, बट ये बात ये है कि हर रिक्वेस्ट इस ऐप डॉट यूज में से गुजर के आएगी, इससे बचेगी नहीं कोई भी रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा अब अगले पे यहाँ आया, यहाँ पर ये चेक करेगा कि जी रिक्वेस्ट गेट की होनी चाहिए और स्लैश के राउट पर होनी चाहिए, यानी मिसाल के तौर पर कोई लिखे लोकल होस्ट 3000 जस्ट, उसके आगे स्लैश प्रोफाइल नहीं और रिक्वेस्ट गेट की हो, तो ये हिट हो जाएगा, और ये हिट होगा तो रिस्पॉन्स यहाँ से चला जाएगा और रिक्वेस्ट मजीद नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, ये अगर मैच नहीं करता, तो वो फिर अगले पे जाके चेक करेगा, अगला मैच हो जाएगा तो यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाएगा, अगर यहाँ भी मैच नहीं हुआ तो वो और नीचे जाएगा इस पर, ठीक है जी। अगर यहाँ भी मैच नहीं हुआ तो वो, अभी इमेजिन करो ये नहीं है, अगर यहाँ भी मैच नहीं हुआ तो सबसे लास्ट, अब ख़त्म हो गई ना सारी, तो मेरा फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली 404 का रिस्पांस भेज देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, बगैर कुछ किए, क्योंकि फ्रेमवर्क बहुत सारी चीज़ों को खुद से संभाल रहा होता है। अच्छा अब मैंने लगा दिया ये वाला, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी से मैच नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, उसको इस ऐप डॉट यूज़ में दाखिल हो जाएगी रिक्वेस्ट, इस ऐप डॉट यूज़ में दाखिल हो जाएगी रिक्वेस्ट, तो क्या होगा, ये कह रहा है कि जी एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक और पब्लिक करके एक फोल्डर है, उसके अंदर कोई स्टैटिक फाइलें पड़ी हुई हैं, वो ले जाओ आप उठा के, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स के नाम की जो भी फाइल होगी ना वो ले जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स के नाम की जो भी फाइल होगी ये वो ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही वाला रूल आ गया जो हमने पहले दिन HTML में पढ़ा था, कि HTML की जो फाइल का नाम है आपके वो index.html ही होना चाहिए, अगर यहाँ पर भी आपने इंडेक्स नाम नहीं रखा उसका तो वो गड़बड़ करेगा, उसको पता नहीं चलेगा। अच्छा तो आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर ना इस पॉइंट पर मुझे ये वाला गेट हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला गेट मैं हटा रहा हूँ, क्यों, अगर ये मैं गेट हटाऊंगा नहीं ना, तो मुझे देखो असल में पेज कौन से रिक्वेस्ट पे सर्व करवाना है, जब मैं लिखूँ ना कि लोकल होस्ट कॉलन 3000, इसी पे मुझे अपना फ्रंट एंड का पेज चाहिए, भाई google.com लिखते हो तो पहले HTML आता है ना, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है, लेकिन मैंने तो स्लैश की रिक्वेस्ट पर हेलो वर्ल्ड भेजा हुआ है, तो ये तो गड़बड़ होगी, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ यूज़, सही है, या मैं गेट करके भी, यानी जैसे ऐप डॉट यूज़ रखा है ना मैंने, मैं गेट पे भी लगाऊंगा स्टैटिक तो चलेगा, लेकिन मैं यूज़ लगा रहा हूँ कि जी अगर वो ज़रा किसी भी अलग अंदाज से भी भेजे ना तो वो चल जाए। तो अभी काइंड ऑफ हमारे पास क्या हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट इधर भी हिट होने वाली हो रही है और इधर भी हिट होने वाली हो रही है, दोनों जगह मैच कर रहा है वो, तो मुझे किसी एक को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो पहले मिलेगा उस पर हिट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर मैं इसको राइट नाउ इस तरह से मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूँगा स्लैश की रिक्वेस्ट,
ठीक है, मैंने कहा कि जी लोकल होस्ट कॉलन 3000 एंटर, क्यों? नॉन जेएस मॉड्यूल फाइल्स डेप्रिशिएटेड. अच्छा अच्छा इसमें एरर आ रहा है ना, वो उसकी वजह से, पाथ नेम की वजह से एरर आ रहा है. चलो इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं ना हम, ठीक है. हेलो वर्ल्ड पे ना ये रिस्पांस आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए. हेलो वर्ल्ड पे मुझे पेज सर्व करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रोक, इसको खोल दूंगा और वो गेट वाले जो है ना मेरा मंजन, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से. अच्छा अब वो डी आई आर नेम पर मुझे एरर दे रहा है, इसका क्या था चक्कर भाई? ये इसको मैं जल्दी से गूगल पे लिखूंगा ना तो वो आ जाएगा, इसका जो नया वाला तरीका है ना वो आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से होता है अभी. तो भाई ये क्या कर दिया इसने? हाँ सही है, इसने बोला यार यहीं पे ना आप अंडरस्कोर डीआईआर नेम ना ऐसे बना लो आप, पाथ डॉट रिजॉल्व करने से मुझे ये मिलता है डीआईआर नेम, तो अब मेरा वो मसला नहीं आएगा. ठीक है, अंडरस्कोर डीआईआर नेम अब मुझे मिलेगा यहाँ पर. आ जाते हैं अब, ज़रा देख लेते हैं क्या रिपोर्ट है. अब मैं जैसे ही देखो लोकल उस 3000 को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे HTML का पेज आ जाता है. मेरे HTML का पेज क्यों आता है? मेरे HTML का पेज इस वजह से आता है, इस लाइन की वजह से आता है. इस लाइन में मैंने क्या लिखा है इसको बहुत गौर से समझ लो. ठीक है, मैंने कहा app.use, इसका मतलब है कि कोई भी मेथड हो, गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो या डिलीट हो, वो इस रिक्वेस्ट से बचेगा नहीं, इसके अंदर दाखिल हो जाएगा वो. ठीक है, इससे मैच कर जाएगा. इससे जब मैच कर जाएगा तो इसमें मैंने पाथ बताया कि स्लैश का पाथ होना चाहिए. ठीक है, अच्छा स्लैश का पाथ अगर मैं हटा दूंगा ना तो फिर क्या होगा, फिर किसी भी पाथ पे कोई भी रिक्वेस्ट हो सब इस पर हिट होगी. तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे स्लैश का पाथ भी इसमें लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऊपर हिट नहीं होना तो आखिर में इंडेक्स का पेज वो लेके चला जाए. ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन को इसी तरह बनाते हैं कि जी कुछ हिट नहीं हो तो index.html. आपको याद होगा, हाँ कोड लिखा है मैंने, वो पुश कर दूंगा मैं, कोई मसला थोड़ी है. ये लिखा है मैंने, हाँ अच्छा. तो सिंगल पेज ऐप को ना, आपको याद होगा फायरबेस में उसने पूछा था मुझसे कि रीराउट ऑल रिक्वेस्ट टू index.html, पूछा था ही उसने, तो हमने उसको नो कर दिया था. तो फिर उसने बोला अच्छा 404 का पेज बना लो. तो अगर हम सिंगल पेज वाले तरीके से नहीं करते ना तो फिर हम शुरू में रखते स्लैश को और आखिर में रखते 404 का एक पेज. लेकिन अब वो पुराना हो गया, नया चल रहा है ये वाला माल. अच्छा अब इसमें मैंने बोला express.static का जो मेथड है ये मुझे मेरे एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. ये बोलता है कि भाई express.static में ना मुझे आप क्या बता दो, अपने फोल्डर का नाम बता दो आप. ठीक है, तो मैं इसको इस तरह करके नाम बताऊंगा ना तो मेरा काम ओके हो जाएगा. अभी देखो ये बिल्कुल बेहतरीन चलेगा, सही चलेगा. ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, सही चल रहा है. अब जब रिफ़्रेश करने पर ये बिल्कुल सही चल रहा है तो सवाल ये है कि मैंने ये सिर्फ डायरेक्ट पब्लिक क्यों नहीं लगाया, मैंने इसको ये अंडरस्कोर डीआईआर नेम क्यों लगाया मैंने, कौन बताएगा ये? अच्छा अंडरस्कोर डीआईआर नेम जो है ना इसमें मुझे क्या मिलता है, इसमें मुझे मिलता है मेरे कंप्यूटर का पाथ वहाँ तक जहाँ पे मेरे सर्वर की फाइल स्टोर हुई हुई है. यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने डी ड्राइव में प्रोजेक्ट्स के नाम का फोल्डर बनाया हुआ है तो मुझे इसमें मिलेगा कि डी ड्राइव स्लैश प्रोजेक्ट फोल्डर और स्लैश मेरे जो भी जहाँ तक का नाम है वहाँ तक मिलेगा मुझे. अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्लस करता हूँ कि जी इसके बाद प्लस पब्लिक, यानी अब मेरे फोल्डर के अंदर की बात हो रही है. ठीक है, अच्छा लेकिन ये प्लस करने से मसला हल नहीं होगा. प्लस करने से मसला हल क्यों नहीं होगा कि पाथ जो होता है ना विंडोज़ के अंदर होता है बैकवर्ड स्लैश उस पाथ में और लिनक्स के अंदर होता है फॉरवर्ड स्लैश. समझ रहे हो? देखो अगर गौर से आके मैं दिखाऊँ ना, फाइल पाथ इन विंडोज लिखूंगा ना मैं और मैं इमेजेस में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है ना यहाँ पे ये देखो बैकवर्ड स्लैश है ये. जी भेजता हूँ 2 मिनट में. बैकवर्ड स्लैश है ना ये. अच्छा ये बिल्कुल सही है, ऊपर भी बैकवर्ड है यहाँ भी बैकवर्ड है. अब लिनक्स के अंदर लिखूंगा मैं तो लिनक्स में होता है
फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये देखो फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है यहाँ पे। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए पाथ डॉट रिजॉल्व करके मेरे पास एक टूल मौजूद है जो कि नॉट जी एस का बिल्ट इन टूल है। उसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया, आपने नोट किया होगा, जस्ट ऊपर इंपोर्ट किया, इंस्टॉल नहीं किया उसको मैंने। तो पाथ डॉट ज्वाइन करके मैं इसको दोनों को प्लस करता हूँ। मैं प्लस के ऑपरेटर से इसको काम नहीं करूँगा, मैं पाथ डॉट ज्वाइन करूँगा ताकि वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसको प्लस करें। अंदर इसके बहुत लंबी चौड़ी लॉजिक लगी होगी जिससे इसको हैंडल करते होंगे, उससे मेरा लेना देना नहीं है। अच्छा, डी आई आर नेम के जरिए पहले ग्लोबल वेरिएबल होता था ये, जिसमें मुझे पाथ मिलता था यहाँ तक का जहाँ मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अब इसको मुझे ऐसे करके गेट करना पड़ता है कि जी पाथ डॉट रिजॉल्व, ठीक है, एक फंक्शन कॉल करके मुझे ये मिलता है। हाँ, कोई भी, अब तो कोई भी नाम लिख सकता है, लेकिन चलो ये स्टैंडर्ड है ना, तो इसी पे मैंने रहने दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे लाके मैंने अपनी ये स्टेटिक फाइल को सर्व कर दिया। अब स्टेटिक फाइल मेरी सर्व हो गई, रिफ्रेश किया, यहाँ पे खुल रही है। लोकल होस्ट 3000 पे जब रिक्वेस्ट जाती है तो मेरे पास ये पूरी HTML की फाइल उठ के आ जाती है। अच्छा, अब जब मैं क्या करूँगा, मेरे HTML के फाइल पे जाके मैं यहाँ से ये लोकेशन हटा दूँगा पूरी, और मैं इसको ऐसे करके लिखूँगा स्लैश वेदर और स्लैश सिटी नेम। अब इसका मतलब क्या है, स्लैश वेदर स्लैश सिटी नेम का मतलब ये है कि मेरे URL के बार में जो भी URL इस वक्त मौजूद है उसी के आगे आपने ये लगाना है। ये मैं एग्जॉस्ट से कह रहा हूँ कि उसी के आगे ये लगा के उसी सर्वर पे भेजो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। वंस मैंने ये काम कर दिया, मुझे क्रॉस ऑरिजिन की रिक्वेस्ट की ज़रूरत अब नहीं है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, कराची लिखा है यहाँ पे, एंटर किया, डेटा आ गया कराची का। सही है, ये कराची का डेटा आ गया। तो मैंने कहा कि भाई URL में जो लिखा हुआ है ना उसी के आगे स्लैश लगाओ। अच्छा, अब मुझे ये क्रॉस ऑरिजिन जो मैंने लगाया था ना ऊपर, ये कॉर्स, अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी अब काम करेगा ये, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, अगेन इस पर कराची लिखा, एंटर किया, डेटा आ रहा है, क्योंकि अब मैं सेम सर्वर पे, मेरा फ्रंट एंड मेरा बैक एंड दोनों अब सेम सर्वर पे मौजूद है, इसलिए अब मेरे पास एरर, क्रॉस ऑरिजिन वाला एरर अब मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। हम पहले अपनी स्टैटिक फाइल को सर्व करते थे गिटहब में, फायरबेस में सर्व करते थे। अगर तो मैंने इसको कहीं अलग सर्व किया हुआ है तब तो मुझे पूरा URL ही लिखना पड़ेगा और क्रॉस ऑरिजिन का लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मैंने दोनों को अपने सेम सर्वर पर किया हुआ है तब मुझे क्रॉस ऑरिजिन की लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है और मुझे फायरबेस या गिटहब पेजेस की भी ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा का पूरा अपने सर्वर साइक्लिक के ऊपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आप सब लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और आप सब लोगों ने ये इतना काम करके आना है, ठीक है, जो अभी तक हम यहाँ पे कर चुके हैं। चलो।